नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। यूपी के हापुड़ में लगभग एक साल बाद आज से स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक की कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। इसके लिए शासन की ओर से जारी कोविड-19 की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन भी किया जा रहा है। कोरोना के कारण पिछले एक साल से लंबे समय तक घर पर रहने के कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद अब स्कूल खोलने से सावधानी के साथ अभिभावकों ने भी बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। विद्यालयों में कक्षाओं के संचालन के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है। शासन द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार विद्यालयों में बच्चों को रोटेशनल शिफ्ट में पढ़ाई के लिए बुलाया जा रहा है। उचित दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए स्कूल खुलने का आदेश है और क्लास वाइज मतलब डे वाइज बच्चों को बुलाया गया है ताकि व्यवस्था बनी रहे। यहाँ पे चूंकि 90 बच्चे हैं तो एक साथ सिटिंग अरेंजमेंट हो नहीं पाएगा कोविड के प्रोटोकॉल को ध्यान रखते हुए। तो किस तरह से कोरोना की जो गाइडलाइन है उनका पालन किया जा रहा है? कोरोना के गाइडलाइन का पालन के लिए हमने रोटेशन सिस्टम रखा हुआ है क्लास वाइज कि 1st एंड 5th क्लास बुलाएंगे हम मंडे में और थर्सडे में, ठीक है ना। इसी टाइप से हर एक क्लास का एक पर्टिकुलर डे फिक्स किया है, उसमें 50% बच्चों को बुलाने का आदेश है। मास्क और सैनिटाइजर की क्या व्यवस्था है? मास्क लगभग सभी बच्चों के पास है, जिनके पास नहीं है उनको स्कूल प्रोवाइड कर रहा है और साथ में सैनिटाइजर भी हमारे पास, हैंड वॉशिंग का प्रॉपर अरेंजमेंट है और पानी पीने का बोतल सभी बच्चों को गाइडलाइन दी गई है कि सभी बच्चे अपने पास पानी पीने की बोतल लेके आए साथ में। पानी की व्यवस्था है हमारे यहाँ पर, मल्टीपल हैंड वॉश यूनिट्स हैं तो उस चीज़ को देखते हुए, और एक सैनिटाइजर भी है। सैनिटाइजर भी बच्चों को बताया गया है कि हैंड वॉश कैसे किया जाए, 30 सेकेंड तक एटलीस्ट हैंड वॉश करना है साबुन के साथ और सैनिटाइजर का प्रॉपर यूज़ करना है। वही कक्षा में प्रवेश से पहले कक्षा के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है, जिससे कक्षाओं में आने वाले बच्चे पहले सैनिटाइजर से अपने हाथ सैनिटाइज करेंगे और उसके बाद क्लासरूम में प्रवेश कर सकते हैं। कक्षाओं में भीड़ ना हो इसलिए अलग अलग कक्षाओं को अलग अलग दिन की रोटेशनल शिफ्ट में बुलाया जा रहा है। काफी समय बाद स्कूल खोलने से छात्रों में भी खुशी का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। कोरोना काल के बाद आखिरकार स्कूल खुल गए हैं, वहीं अभिभावक भी काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हापुड़ से शाहरुख की रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।